तो क्या हाल है मेरे भाइयों के? भाई क्या है कि मैं आज आया हुआ हूँ मेरठ। काफी दिन से मैं यहाँ पे फ्लैट पे आया नहीं था, तो मैंने सोचा है कि मेरा जो कैमरा था वो क्या नाम है, अभी ब्लॉगिंग के लिए मैंने लिया ही नहीं था। जो बात है कि मैं आपको बोलूँ, मेरा कैमरा ले रखा था, मैं भी फोन से ही ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। तो उसके लिए क्या है कि अभी आज जब मैं यहाँ आया हुआ हूँ तो पास में ही एक यहाँ से मार्केट है, जहाँ पे मैं हूँ बेगमपुल के पास में एक मार्केट है। तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना वहाँ जाके एक तो जीटी में थोड़ा वर्क करा लिया जाए, दूसरा वहाँ से अगर कैमरा मिल जाते हैं, कैम वगैरह मिल जाते हैं, हेलमेट के माउंट वगैरह मिल जाते हैं, तो आज वो खरीद लेते हैं। क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है फ़ोन से ब्लॉगिंग करने में। आप बाइक पे उसको प्रॉपर सेट नहीं कर सकते, आप उसको ना ही तो कुछ कर सकते हैं। ये खड़ी अपनी तीनों बाइक, थंडरबर्ड, जीटी और साड़ी स्प्लेंडर। अब चलते हैं जीटी को लेके। इसमें छोटा छोटा सा एक तो इसमें लगवा के आते हैं आज हम चार्जर, फिर एक इसकी यहाँ पे जो वो शील्ड वगैरह लगती है वो। ये का तो बीस्ट हो गया है ये स्टार्ट। चलते हैं आशु भाई के पास। अब जो हम आगे की जो बात करेंगे, आशु भैया के पास पहुंच के ही बात करेंगे, क्योंकि एक हाथ से बाइक चलानी ऐसे गश वाले एरिया में थोड़ा प्रॉब्लम होती है। करते हैं अभी बाद में। तो भाई हम पहुंच गए आशु भैया की शॉप पे। फिलहाल अब मैं इस पे कराने वाला हूँ, एक तो इस पे बैंड, जो सिलेंसर होता है ये हीट हो जाता है इस पे बैंडिंग, और दूसरा ये इसकी विंडशील्ड, ये छोटे वाली। क्योंकि बात क्या है कि इसका ये जो मीटर है, ये मीटर टूट गया था और ये मीटर फिलहाल मिल नहीं रहा है, तो जिसकी वजह से अभी फ़िलहाल के लिए हम इसे लगवाने वाले हैं। ये सुंदर भी लगेगा और ये सब चीज़ छुप भी जाएंगी इसकी। तो बता रहा था मैं, पापा नहीं जा रहा था। बैंड भैया बैंड पे वर्क हो चुका है, कंप्लीट ही हो चुका है, बस लास्ट रह रहा है नीचे का स्टेप। नीचे तक ही जो ले जाओ, सब परे तक ही। ये खोल लो इसकी, ये हैं तो ये खोल लो। भाई वो क्लिप इसके नीचे आ जाएगी, फिर दिखाई देने की नहीं, अच्छी बात है। और अबे गर्मी गर्मी ना, मेरे सेटिंग फोटो का आ गया। ओ सॉरी, मैं बोल रहा हूँ ये इसके नीचे आ जाएगी, दिखाई नहीं देने की, और अच्छी बात है ना बैंड। हाँ इसलिए बोल रहा हूँ मैं, इसके नीचे तक ले लो इसको, छोड़ो देखो। तो भाई वर्क हो चुका है, लुक अब बन रही है। साइड मिरर लग चुके हैं, साइड मिरर जो लगे हैं बिल्कुल ऐसे ही लगे हैं जो कंपनी फिटेड होते हैं अंदर पे लगने के बाद। ये इसका स्टॉक वेट लगा हुआ है, चार्जर और बैंड, और उसके बाद में ये जो हमने लगवाए ये लुक भी दे रही है। और मैंने आपको जैसे बताया था, ये जो मेरा मीटर टूटा हुआ है, ये देखो मैं दिखाता हूँ, ये जो मेरा मीटर टूटा हुआ है ये इस चीज़ को भी छुपा रहा है। खैर कुछ भी हो, लुक किस टाइम पे बाइक की जो आ रही है वो कुछ ऐसी सी आ रही है। चलो
वीडियो करते हैं खत्म। एक बार आशु भैया से और पूछ लेते हैं, कोई और भी एक्सेसरीज है क्या इसकी, फिर इस पे वो लगवा। तो भाइयों काम कराने के बाद में जो लुक आ रही है मैं तुम्हें अब दिखाता हूँ, क्योंकि वहाँ शॉप पे इतने कोई अच्छे से दिख नहीं रहा था बाइक कैसी लग रही है कैसी नहीं। बाइक की लुक आ रही है कुछ ऐसी,